अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और तालिबे इल्मों, आज मैं आपको टर्नर मशीनिस्ट की इस क्लास के अंदर गर्भ स्क्रू के साइजेस के हवाले से बताऊंगा। अब आप ये देखें कि ये गर्भ स्क्रू की ड्राइंग है। इस पे ये M10 का गर्भ स्क्रू है। M का मतलब मैट्रिक थ्रेड है और जिसका इस स्क्रू का ओडी जो है 10 mm है। अब इसके अंदर ये जो कट लगा है, इस कट की हमें ये चौड़ाई मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, आज मैं आपको वो बता रहा हूं इन चीजों को। M10 इसको हम D ले लेते हैं, यानी इसका जो स्क्रू का साइज है वो 10 mm है, ठीक है। M10 की थ्रेड है, मैट्रिक में थ्रेड है ये, तो इसका ये साइज होगा डी बराबर इसकी अपना W बराबर है, इसकी चौड़ाई विड्थ बराबर है 0.15 जरब 10। ये आ गई W बराबर है 1.5 mm। तो हमारे पास ये जो साइज आ गया, ये आ गया 1.5 mm। ये 1.5 mm जो है इसकी चौड़ाई होगी। अच्छा, अब इसका यहां से लेके यहां तक का कट कितना होगा, इसका फार्मूला होता है LENGTH, लेंथ ऑफ कट बराबर है 0.3 जरब 10। यह आ गया अप्रोक्सीमेट 3.0 mm। तो ये आ गया हमारे पास 3.0 mm, यानी इसका जो 1.5 mm का हम इस पे स्लॉटिंग सॉ चलाएंगे। स्लॉटिंग सॉ चलाने के बाद जो है वो कितनी डीप में जाएगा, 3 mm की डीप में जाएगा। अच्छा, अब इसके देखें इन कोनों पे ये चैम्फर है। ये चैम्फर जो है कि ये 45 डिग्री पर है। अब 45 डिग्री तो दी है, लेकिन इसकी ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई होती है, इसको मैं मुख्तसर कर देता हूँ, CHEMFER, चैम्फर बराबर है 0.1 जरब डी बराबर है 0.1 जरब 10 बराबर है 1.0 mm। तो हमारे पास ये चैम्फर लेंथ आ गई 1 जरबे 45, यानी ये फासला जो है हमारा 1 mm का है, यानी ये फासला हमारा 1 mm का है। और कितनी डिग्री पर टूल चलेगा, 45 डिग्री के ऊपर। इधर भी ये फासला हमारा 1 mm का है और टूल 45 डिग्री पे चलेगा। इस तरह हम गर्व स्क्रू के साइजेस वगैरह निकालते हैं। और इसी तरह जो होती है, आप जब टर्नर मशीनिंग के करें तो आप गर्व स्क्रू के साइजेस इस तरह निकाल सकते हैं। जो इसमें स्टैंडर्ड भी यही है, और इसी तरीके से इसके कट और डेप्थ, स्लॉट की डेप्थ भी मालूम की जाती है। इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।